हेलो एंड वेलकम टू अवर बेस्टेक यूट्यूब चैनल। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के बारे में, WPS ऑफिस के नेक्स्ट ट्यूटोरियल के बारे में। जैसा कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा, तो मैं उसी के रिलेटेड नेक्स्ट फीचर्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना समय गमाए, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये था इंसर्ट टैब के बारे में। हम मूव ऑन करते हैं पेज लेआउट के बारे में। यहाँ पर आप सबसे पहला बटन जो दिया हुआ है थीम का, यहाँ पर आप बहुत से थीम्स दिए हुए हैं, कलर थीम्स, जिनकी हेल्प से आप इजीली अपने पेज के थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कलर स्कीम्स दिए हुए हैं, यहाँ पर आप जो कोई भी स्कीम्स अच्छी लगती हैं कलर की, जैसे कि फैन, और भी यहाँ पर बहुत से दिए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर जितना सेल सेलेक्ट करूँगा तो और कलर स्कीम्स डालूँगा तो वहाँ पर ये इफ़ेक्ट लग जाएगा। अब ये फॉन्ट्स, यहाँ से आप इजीली फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं, ये देखिए। सो इस तरह आप यहाँ पर इफ़ेक्ट सेलेक्ट करके कोई भी आप चूज़ करके सेलेक्ट डाल सकते हैं। उसके अलावा ये है मार्जिन, सबसे पहला बटन। यहाँ पे आप अपने पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं। यहाँ पर और भी बहुत से ऑप्शन दी हुई है, ये जैसे कि मैंने पिछले इंसर्ट में हेडर फूटर के बारे में बताया, तो उसी में पेज सेटअप का ये ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल पेज या वर्टिकल पेज कोई भी सिलेक्ट करके ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, अगले बटन की ओर ले चलता हूँ। ये ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। जैसा कि हम सबको पता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है, ये हमारे पेज लेआउट को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में इजीली एडजस्ट कर देता है। सो अब हम बात कर लेते हैं साइज़ की। यहाँ से आप इजीली पेज साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। ये फिर से वही पेज सेटअप का ऑप्शन खुल गया है, ये देखिए फिट शीट ऑन वन पेज। यहाँ पर आप इजीली एडजस्ट करके ओके पर क्लिक करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। ये प्रिंट एरिया, यहाँ पर हम जैसे सेट है प्रिंट एरिया, जैसे कि मैं यहाँ पर इतना एरिया का प्रिंट आउट लेना चाहता हूँ। जैसे मैं इसको सेट करूँगा और यहाँ पर प्रिंट बटन पर क्लिक करूँगा तो सिर्फ इतने एरिया का ही प्रिंट आउट निकलेगा। सो यहाँ पर अगले प्रिंटेड टाइल्स, यहाँ से आप शीट का जो सेटअप है यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, यानी कि ब्रेक, इंसर्ट ब्रेक। यहाँ पर आप कोई भी पेज, जैसे कि ये वर्कशीट का पेज है, इसको इजीली डिलीट भी कर सकते हैं और ब्रेक भी कर सकते हैं। जैसे कि इतना पार्ट अगर हम चाहें तो ब्रेक भी कर सकते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। सो अब हम बात कर लेते हैं पेज जूम की। जैसे कि मैंने बता चुका हूँ यहाँ से आप इजीली जूम को एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर भी वही ऑप्शन दिया हुआ है फिट टू रो, फिट टू ऑल, यहाँ पर और भी ऑप्शन दिए हैं वैसे। सो चलिए अब हम अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं अलाइनमेंट के बारे में। यहाँ से आप इजीली अलाइन कर सकते हैं किसी भी पेज को, यहाँ से आप ग्रुप कर सकते हैं। यहाँ से आप नेक्स्ट बटन है रोटेट का, तो आप जब इस डाटा को सिलेक्ट करेंगे तो ये हाईलाइट होंगे, उसके बाद आप इजीली इसको चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन पैनल, यहाँ पे और भी, जैसे कि ये देखिए, ये सब ऑनलाइन फीचर है तो मैं इसके बारे में अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ये है रिसेंट डॉक्यूमेंट का बटन। सो ये है, इस तरह आप सिलेक्शन पैनल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बात कर लेते हैं पेज सेटअप की। पेज सेटअप में जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर पेज सेटिंग खुल जाएगी, तो यहाँ से आप इजीली अपने पेज की शीट की सेटअप चेंज कर सकते हैं। सो अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टैब, यानी फार्मूलास की है। मैंने पहले पेज लेआउट के बारे में आप बता दिया है। सो ये फार्मूलास का टैब जो हम नए टैब के बारे में बता रहे हैं। यहाँ से आप ऑटो सम और रीसेंट यूज्ड ऑल, यहाँ पे बहुत सारे जो फार्मूलाज है यहाँ पर इजीली दिए हुए हैं, और भी बहुत से आप डाल सकते हैं। फाइनेंशियली जो फार्मूलाज यूज़ होते हैं यहाँ पर हैं, लॉजिकल,
मैंने इन फॉर्मूलास के बारे में डिटेल में आपको बताया हुआ है फर्स्ट और सेकंड ट्यूटोरियल में कि आप इसको कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे यूज़ करना है, तो आप चाहें तो उस वीडियो में देख सकते हैं। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें WPS ऑफिस प्लेलिस्ट खुल जाएगी, वहाँ से आप इजीली खोल के देख सकते हैं। तो अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट बटन्स की ओर। इन फॉर्मूलास के अलावा जो है यहाँ पर ये है नेम मैनेजर, यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप अपना न्यू नेम सेट कर सकते हैं जो अपना वर्कबुक का सेट करना चाहें। तो अभी के लिए मुझे इस फीचर की जरूरत नहीं है, मैं आपको जल्दी अगर समझा देता हूँ। यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं नेम्स टॉप रो लेफ्ट बॉटम, आप जहाँ कोई भी चाहें वहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। यह है इवेल्युएटर फार्मूला और यह है एरर चेकिंग, इससे इसकी हेल्प से आप इजीली एरर भी चेक कर सकते हैं। ये फार्मूला को इवेल्युएट करने में काम आएगा। सो ये रिकैलकुलेटर और कैलकुलेशन शीट, इसके बारे में आपको वैसे पता है कैलकुलेटर होता क्या है, तो ये कैलकुलेशन वो यहाँ से होगी। सो अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टैब यानी कि डाटा के बारे में। ये है फिल्टर के बारे में और ये पोर्टफोलियो, ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर शॉर्टिंग यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में मैंने पहले बता दिया था। ये हाईलाइट्स डुप्लीकेट्स यानी कि आपको पता ही है ये डुप्लीकेट्स को हाईलाइट करता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हाईलाइटिंग डुप्लीकेट्स के बारे में। अगर मैं इस पर क्लिक करके सेट पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए एक न्यू डायलॉग बॉक्स क्रिएट होगा। इसमें ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो कोई भी इस डाटा में कोई भी कंटेंट रिपीट हुआ होगा तो वो उसको ऑरेंज बैकग्राउंड उसकी सेट करके इजीली हाईलाइट कर देगा। सो जैसे मैं क्लिक करूँगा ये जितना भी डाटा रिपीट हुआ है ये वही शो कर रहा है, जैसे कि 4488। तो इसकी हेल्प से आपको पता लग सकता है कि कौन सा डाटा कितनी बार आपके टेबल में रिपीट हुआ है। सो अभी के लिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और यहाँ से आप उसको रिमूव कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। सो इस तरह आप हाईलाइट डुप्लीकेट्स का ये बटन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ इन टूल्स के बारे में। वैसे ये जो टूल्स हैं ये मेनली एनालाइज करने के काम आते हैं टेबल के डाटा को। तो उसके लिए जैसे कि मैंने यहाँ से लेकर दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया तो ये मान लीजिए मैंने ये टूल अगर एक्सप्लेन करना यूज़ करना है तो ये देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ये डाटा को डिस्क्राइब करने के लिए टूल इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर जितने फार्मूला लिखे हुए हैं अप्लाई हुए हैं वो यहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए हैं कैसे अप्लाई हुए हैं। तो वैसे ये टूल्स जो हैं ये ज़्यादा काम नहीं आते क्योंकि ये सिर्फ डाटा एनालाइज करते हैं, जैसे कि व्हाट इफ एनालाइज फॉरम कंसोलिडेट। सो इसलिए मैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा। तो अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप अन ग्रुप के बारे में। इनके बारे में हमको पता ही है वैसे, ये जो डाटा है इनका ग्रुप बनाने के लिए और अन ग्रुप करने के लिए, क्योंकि ये जो हम डाटा सेलेक्ट करके अगर ग्रुप पर क्लिक करेंगे तो वो बाउंड्री बना देगा कि ये एक ग्रुप की, और अन ग्रुप करने के लिए यहाँ से अन ग्रुप और क्लियर आउटलाइन पर क्लिक करना पड़ेगा। अब हम सब टोटल के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं इस डाटा को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये सब टोटल बताएगा, जैसे कि यहाँ पर कोई भी फंक्शन आप चाहें तो डाटा का पूरा सब टोटल में यहाँ से आप उसका सम यानी कि फार्मूला अप्लाई करके उसका टोटल निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, मैक्स मिनिमम जो कुछ भी आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वहाँ उसका यहाँ पर रिज़ल्ट आ जाएगा। सो उसी के बारे में ये शो करेगा डिटेल और हाइड भी करेगा। और यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं डाटा को जो एक्सटर्नल होता है, जैसे कि वर्कशीट के बाहर जो आपने सेव किया हो पीसी में, और ये रिफ़्रेश करता है ये तो हमको पता ही है। तो ये था डाटा के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बटन टैब यानी मेन्यू टैब यानी कि रिव्यू के बारे में। सो ये है रिव्यू टैब, यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन देख रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम स्पेशल पहले ऑप्शन के बारे में। ये स्पेल चेक, यहाँ से आप इजी स्पेल चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। तो जो स्पेल चेक होगी वहाँ वो यहाँ से इसका ट्रेजर्स यानी कि आपको पता ही है जो आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स है वो यहाँ फाइंड आउट करता है ये। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जितना भी डाटा है ये ईज़िली चाइनीज़ भाषा में या फिर यहाँ पर जो कोई भी आपने
लैंग्वेज सेलेक्ट किया उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये ट्रेडिशन जैसे कि ये चाइनीज़ भाषा का है, सो ये इसी के रिलेटेड हैं जो कुछ भी हैं। ये लॉक सेल है, ये प्रोटेक्ट शीट है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये प्रोटेक्ट पासवर्ड जनरेट कर देता है जिसकी ऐप से आप इजली इसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं सिर्फ अपने पर्पस पर्सनल पर्पस लिए, और इसमें कोई छेड़छाड़ भी नहीं कर पाएगा। सो ये ट्रैक चेंजेस वैसे ही ये सब रिव्यू के बारे में ही है जैसा कि बताया है। ये चाइनीज़ स्पेल्स, ये डाटा जो आपने एंटर किया है ये उसी के रिलेटेड है। सो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टैब यानी कि व्यू टैब के बारे में। ये है नॉर्मल व्यू जो कि इस पेज का बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर मैं पेज ब्रेक प्रीव्यू करना चाहूँ तो ये ऐसे ही क्लिक करूँगा, ये देखिए पेज वन का प्रीव्यू दिख रहा है। अब मैं नॉर्मल व्यू पर क्लिक कर देता हूँ। अगर मैं फुल स्क्रीन पर करना चाहूँ तो ये देखिए फुल स्क्रीन पर हो जाए। सो अब मैंने एस्केप दबाकर फुल स्क्रीन व्यू हटा दिया। अब रीडिंग व्यू के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप कोई भी जो कलर, जैसे कि मैंने ये देखिए ब्लू कलर सेलेक्ट किया हुआ है, ये देखिए हाईलाइट हो रहा है। तो इसकी हेल्प से आप इजीली रीडिंग व्यू सेल और कॉलम का ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके अगले यानी फार्मूला बार। यहाँ पे टिक किया हुआ है, ये देखिए फार्मूला बार यहाँ पर शो हो रहा है। सो ये है ग्रिड व्यू और ये प्रिंट ग्रिड व्यू। सो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप व्यू की सेटिंग कर सकते हैं। ये है जूम, जैसे कि मैंने पहले बताया था। ये नाइट मोड, आई प्रोटेक्शन जो कि यहाँ पर भी दिया हुआ है, मैंने फर्स्ट ट्यूटोरियल में आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ लिंक के में मेरे इस वीडियो के में के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो उसमें आप इजली देख सकते हैं। ये है फ्रीज टूल, ये जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जैसे कि ये बॉर्डर दिख रहा है ये फ्रीज टूल का ही है। तो इसकी हेल्प से आप इजली अपने डाटा को फ्रीज करके अपने डाटा को अलग कर सकते हैं और देख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। और ये अरेंज हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये स्प्लिट यानी कि कोई शीट को दो हिस्सों में बांटना या टू पार्ट्स में डिवाइड करना। यह है न्यू विंडो, न्यू विंडो जैसे कि ये न्यू विंडो बटन, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए न्यू विंडो खुल जाएगी। अगर मैं और खोलना चाहूं तो एक ही वर्कशीट में मल्टीपल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इस तरह आप न्यू विंडो मल्टीपल शीट इस्तेमाल कर सकते हैं। सो पहले के डाटा पर आ जाता हूँ और व्यू स्लाइड बाय स्लाइड। सो अब हम बात कर लेते हैं स्लाइड बाय स्लाइड। यहाँ पर जैसे पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए ब्लू वन ब्लू टू, तो यहाँ से आप इजीली अपने साइड बाय साइड विंडो जो मल्टीपल विंडो ओपन है तो वहाँ पर व्यू कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैक्रोस का भी ऑप्शन है, वैसे यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, ये डेवलपर ऑप्शन है। तो चलिए इसको रहने देता हूँ, मैं अगले स्पेशल फीचर के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आप ईज़िली अपने फाइल को डॉक्यूमेंट्स क्लाउड में सेव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। यहाँ से अपने क्लाउड में जो आपने फाइल सेव की होगी वो यहाँ से ओपन होगी, यहाँ से सेव होगी। ये फाइल रोमिंग है, ये उनके बीच में लिंक कराएगी। यहाँ से आप ईज़िली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये था डब्ल्यू पी एस स्प्रेडशीट के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर। सो आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं और भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल बताऊंगा WPS ऑफिस का। तो चलिए, ओके बाय।